हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल बेस्ट जायका विद सिम्मी में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोयाबीन से बनने वाले बहुत ही टेस्टी पकोड़ों की रेसिपी। यकीन मानिए, ये पकोड़े इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि इनके सामने आपने जितने भी पकोड़े खाए होंगे ना, वो फीके पड़ जाएंगे। इनको खाकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि नॉनवेज होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बनाने में भी बेहद आसान है और इनको हम घर में रखे हुए सामान के साथ ही बनाकर तैयार करेंगे। और इतने ज़्यादा आसान है, इतनी जल्दी बन जाते हैं कि आप इनको फटाफट से बनाकर तैयार कर सकती हैं। बच्चों को आप इनको टिफ़िन में भी देंगी ना, तो यकीन मानिए वो फटाफट से इनको चट कर देंगे। और कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इनको बनाकर सर्व कर सकती हैं, उनको ये बेहद पसंद आएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इन सोयाबीन के टेस्टी पकोड़ों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है ये सोयाबीन बड़ी, इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो ये मेजरिंग कप है, इससे मैंने नाप कर 1.5 कप ये सोयाबीन ले ली है। आप कोई कटोरी भी सेट कर सकती हैं, उसी से इसको मेजर करें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पर ठंडे पानी का ही यूज कर रही हूँ और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप गर्म पानी का यूज कर सकती हैं, उससे 5 मिनट में ही आपकी ये बढ़िया अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इनको भीगा हुआ छोड़ देते हैं और तब तक अपना आगे का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 कच्चे आलू, जिनको मैंने छीलकर पानी में डाल दिया था ताकि ये काले ना पड़े, क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले पड़ने लगते हैं। अब एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और ले लेंगे कद्दूकस, और इसका जो ये मीडियम वाला पार्ट होता है ना, इसमें से हम आलू को उठाएंगे और ग्रेट कर लेंगे। मोटे वाले पार्ट से हमें ग्रेट नहीं करना है, मीडियम वाले पार्ट से ही करेंगे ताकि जो लच्छे हैं जब हम पकौड़ा बनाएं वो अच्छे से गल जाएँ। तो सारे आलू को इसी तरीके से चलिए ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों ही आलू को मैंने इस तरीके से लच्छे निकाल कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर सोयाबीन को देख लेते हैं, तो ये अच्छे से फूल चुकी हैं। केवल 15 मिनट ही मैंने इनको रखा था। अब इस तरीके से उठाएंगे, इनका पानी निकाल देंगे और इनको डायरेक्टली जो हमने आलू के लच्छे निकाले हैं उसके अंदर डाल देंगे। तो सारी सोयाबीन की बड़ी को ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर कर इसका पानी निकाल देंगे और आलू के साथ में इसको डाल देंगे। तो सारी जो बड़ी हैं उसके साथ मैंने आलू को डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि आलू वगैरह सारे अच्छे से मिल जाए। अब इसमें हम अपने अनुसार कुछ सब्जियां डाल देंगे, आपको जो पसंद हो वो डाल दें और जो ना पसंद हो उसको स्किप कर दें। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ उसमें, केवल हरी मिर्च ली है मैंने 4 और साथ ही में एक लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको इस तरीके से लच्छों में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसमें कोई और सब्ज़ी भी डाल सकती हैं, गाजर या फिर शिमला मिर्च वगैरह डाल सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब इसमें थोड़े से मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ते, इनसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप एक बार डालकर ज़रूर देखना। अगर ये ना हो तो आप इसमें हरा धनिया डाल सकती हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैं ये पेस्ट ले रही हूँ, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को घर पर ही कूट कर डाल सकती हैं, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का टेस्ट भी इन पकौड़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लगभग 1/4 टीस्पून हमने ली है हल्दी पाउडर कलर के लिए। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। अगर ये ना हो तो इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर डाल सकती हैं, वो भी ना हो तो आप एक नींबू ले लीजिए, उसको निचोड़कर आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकती हैं। अब इसको हम हाथों से मिला देंगे ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो सोयाबीन वड़ी के साथ अच्छे से मिल जाए। तो सभी को मिला देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े लगने वाले हैं, आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कर देखना। मैं गारंटी लेती हूँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको हमें रेस्ट देना है लगभग 10 मिनट के, ताकि जो बढ़िया हैं वो मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं और 10 मिनट रखने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन। तो यहाँ पर मैंने उसी कप से नाप कर लिया है बेसन, 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन आपके पास जो भी हो उसको ले सकती हैं, डाल देंगे। अब बेसन डालने के बाद इसमें डालेंगे कुरकुरेपन के लिए लगभग 3 चम्मच भरकर यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूजी। सूजी मोटी या बारीक कोई भी हो चलेगी, जो सूजी है वो इस नाश्ते को कुरकुरापन देगी और जो पकौड़े हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों में भी अपना पानी है और बड़ियों में भी थोड़ा सा पानी है।
तो इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे और अच्छे से मिला देंगे। जो हमारा मिक्स है वो तैयार है। हम तेल गरम कर लेंगे। तेल को हमने चढ़ा दिया है। तेल को हमें मीडियम गरम करना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे एक एक करके अपने सोयाबीन वड़ी। इस तरीके से जितना बड़ा आपका पैन हो या कढ़ाई हो उतनी इसमें डाल दें। एक बार में डाल देंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। धीरे धीरे इनको एक तरफ से सिकने देंगे, इनको छेड़ेंगे नहीं जब तक ये नीचे से नहीं सिकेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो चलिए इनको इसी तरीके से पहले 2 मिनट के लिए सिकने देते हैं, उसके बाद हम इनको टर्न कर देंगे। तो एक तरफ से ये सिक चुके हैं। अब इनको इस तरीके से स्पून से धीरे धीरे हिलाते हुए पलट देंगे और इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जितना धीरे धीरे आप इनको सेकेंगे उतना ही बढ़िया हमारे ये कुरकुरे पकौड़े बनकर तैयार होंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इनको दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए इसी तरीके से सेक लेंगे। और ये देखिए, एक बैच हमारा सिक चुका है, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। ऐसा ही कलर हमें चाहिए था। पकौड़े हमारे सिककर तैयार हैं। एक बैच हमारा सिक चुका है तो चलिए इसको निकाल लेंगे। तेल इस तरीके से साइड में करते हुए हमें पकौड़े निकालने हैं। इनको हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी पकौड़े भी ऐसे ही निकाल लेंगे। और अब जो बचे हुए पकौड़े हैं उनको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो डाल देंगे इसमें और धीरे धीरे इनको भी सेक लेंगे। तो सभी पकौड़ों को हमने सेक लिया है और इस तरीके से प्लेट में रख लिया है। इनके साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया है क्योंकि ये पकौड़े इन मिर्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे तो आप इनको किसी सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे क्रिस्पी हमारे ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, वाओ, बिल्कुल ऐसे लगेंगे खाने में जैसे कि नॉनवेज हो, लेकिन ये वेज पकोड़े हैं। इसको कोई भी खा सकता है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकती हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए, फटाफट से इनको बनाकर फ्राई कीजिए और उनके सर्व कीजिए, उनको ये बेहद पसंद आएंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।